राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस मुद्दे पर पूरा देश साथ खड़ा था, ऐसे मुद्दे पर ट्रस्ट निर्माण का फैसला ऐसे समय पर किया गया जब दिल्ली में चुनाव है। इससे साफ लगता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में राजनीति यहां पर करना चाहते हैं, तो बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं और यही उनकी कोशिश होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिलने पर आरोप लगाया है सरकार पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश है, सबने उसका स्वागत किया है, हिंदू मुसलमान सबने स्वागत किया है और राम सबके हैं, और यदि राम के नाम पर आप न्यास बनाने का काम कर रहे हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, लेकिन आप उसमें जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति राम का अपमान है। राम जी के उस पर जब निर्णय आया तो सारा देश खड़ा हुआ, तो उस सारे देश का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। देखिए, वो हमेशा राजनीति करेंगे और इसीलिए उन्होंने इलेक्शन से जो वोट पड़ने जब दिल्ली का मतदाता जा रहा है उससे पहले निर्णय लिया है, क्योंकि उनके पास दिल्ली के मतदाता के पास कुछ कहने को नहीं है। लेकिन एक बात सारे देश के मानस में साफ है, अब राम के नाम पर जो राजनीति करेगा, चाहे वो न्यास घोषित करने की राजनीति हो या कोई और राजनीति हो, जनता उसको फटकार लगाएगी।